प्यार भरा सभी को नमस्ते। मैं हूं शालिनी वर्मा, आप सभी की दोस्त। सीजन आ गया कुबेर पोटली का। कुबेर पोटली मैंने वीडियो बनाकर बताया ही था कि कुबेर पोटली रेडी है। बहुत तेजी से आप लोग ऑर्डर कर ही रहे हैं, बहुत तेजी से कुबेर पोटली ले भी रहे हैं। एक बार फिर से सबको बता रही हूँ, कुबेर पोटली मैं दिवाली के आसपास ही सिर्फ बनाती हूँ, साल भर नहीं बनाती। तो जिसको भी लेना है कुबेर जी की ब्लेसिंग्स, जल्दी जल्दी कुबेर पोटली अपनी ऑर्डर कर लें। कुबेर पोटली को हम, वैसे तो मैंने बनाना भी सिखाया था, जो लोग बनी हुई सिद्ध कुबेर पोटली मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके इनको ऑर्डर कर सकते हैं। कुबेर पोटली आपको वहां रखनी है जहां पर आप पैसा रखते हैं, अलमारी में, लॉकर में, जहां पर भी पैसा रखते हैं वहां पर आप अपनी कुबेर पोटली साथ में रखेंगे। इसमें वो सारी चीजें होती हैं जो मनी को करती हैं अट्रैक्ट। तो साल भर पैसा आपके पास, बरकत आपके पास बनी रहे, उसके लिए हम रखते हैं घर में कुबेर पोटली। तो जिस जिसको ऑर्डर करनी है मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके जल्दी जल्दी ऑर्डर कर लें। बहुत लिमिटेड कुबेर पोटली होती है, ठीक है। पिछले बार आप लोग, बहुत सारे लोग दिवाली के बाद तक मांगते रहे थे लेकिन फिर पोटली हो नहीं पाई थी अवेलेबल, तो आप लोग अभी ले ही रहे हैं। और जिन जो लोग बचे हैं वो भी जल्दी जल्दी ले लें, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, ठीक है। ये बात हो गई कुबेर पोटली की। दूसरी बात है, इस बार आए हैं ये वाले रुपीज, एक खास डायरेक्शन में रखने के लिए ब्लेस्ड रुपीज हैं। हम ओरिजिनल नोट भी रखते हैं उस खास डायरेक्शन में। डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है कैश फ्लो की। कैश फ्लो की यानी कि डेली हमारे पास कैश आता रहे, रोज हमारे पास कैश आता रहे। तो पोटली तो रख लेनी है आपको अपने, जहां पर अंदर पैसा रखते हैं, जेवर रखते हैं वहां पर। ये कार्ड रखेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ये रुपी रखेंगे, ये है ब्लेस्ड रुपी। ब्लेस्ड क्यों है? जो ओरिजिनल रुपी हम यूज करते हैं तो कभी कभी अनहैप्पी मनी भी होता है। हैप्पी मनी और अनहैप्पी मनी क्या होता है, मैंने कई बार वीडियोस में भी बताया है। हर पैसे के साथ एनर्जी जुड़ी हुई होती है, तो किसके द्वारा एनर्जी, कैसी एनर्जी के साथ वो रुपया आपके पास आया है, तो वो एनर्जी रुपये भी कैरी करते हैं। तो हम जहां पर कैश फ्लो, हमारे हमारी लाइफ में जो कैश फ्लो देती है वो डायरेक्शन होती है घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पूर्व दिशा। तो ये ब्लेस्ड मनी वहां पर रखकर, एक फ्रेश मनी वहां पर रखकर हम डेली कैश फ्लो को बढ़ा सकते हैं। तो ये भी आप साथ में ऑर्डर कर सकते हैं। जो लोग भी पोटली ले रहे हैं, सब लोग ये ले ही रहे हैं, तो आप लोग ये दोनों चीज जल्दी जल्दी ऑर्डर करके ले लीजिए ताकि सबको दिवाली तक सबके पास में पहुंच जाए, खत्म ना हो जाए स्टॉक, ठीक है। तो ये तो बात हो गई दो प्रोडक्ट्स की, तो मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन सबको दी। मेंबर्स जितने भी हैं, मेंबर्स काफी सारे तो ले ही चुके हैं, जो बचे हैं वो लोग जल्दी ले लें क्योंकि फिर आप लोग बनाने के लिए बोलेंगे तो वो पॉसिबल होगा नहीं, तो दिवाली तक सब लोग मंगा लें। आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में बुरी नजर की, किसी की बद्दुआ की। किसी की बुरी नजर अगर लग जाए ना तो समझ लीजिए लाइफ में सबको स्पॉइल हो जाता है। हम सोचते हैं कि अरे ये सब होता कुछ नहीं है, लेकिन एक्चुअली में होता है। कई बार आपने देखा होगा किसी की नजर ऐसी आपके ऊपर पड़ी कि आप चलते फिरते आप एकदम बीमार और अपने आप को वीक फील करने लगे। तो आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताने जा रही हूं जो बुरी नजर को से आपको बचाएंगे, और कैसे आप जाने की बुरी नजर लगी हुई है, बचाने की बात तो तब आए जब आप पहले जान जाएं, ठीक है। बुरी नजर के कुछ सिम्टम्स होते हैं वो आपको बता रही हूं, बुरी नजर से बचने के उपाय और एंजल नंबर भी आपको मैं बताने जा रही हूं। बुरी नजर, बुरी नजर के लिए क्या होता है भाई? किसी की नजर आप कहीं गए, बुरी नजर के लिए जरूरी नहीं है आप बन ठन के अच्छा कुछ नया पहन के गए हो। जलने वालों की कमी नहीं होती है, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके मिलने जुलने वाले और अनजान लोग भी। ऐसा नहीं कि अनजान लोगों की नजर नहीं लगती, अनजान लोग भी। किसी ने देखा हाय कितना अच्छा ये लग रहा है, हाय लग गई आपके ऊपर, हाय लगी तो मीन्स समझ लीजिए आपकी प्रॉब्लम लाइफ में हो जाएगी शुरू। कैसे हमें पता चलता है कि बुरी नजर लगी है? एकाएक आप स्वस्थ हो और एकाएक आपको पेट में दर्द होने लगे, आपको पेट में ऐठन मरोड़ होने लगे, ऐठन होने लगे, आपको लूज मोशंस होने लगे, पेट खराब हो जाए आपका, समझ लीजिए बुरी नजर लगी है। मतलब कुछ खाया भी नहीं उल्टा सीधा और स्वस्थ में ही तुरंत अगले ही पल आपको ऐसा लगने लगे, पेट पे सबसे जल्दी असर आपको दिखता है, पहला सिम्टम ये है। दूसरा, आपको तेज सर में दर्द होने लगे। अगर एकाएक तेज सर में दर्द होने लगे, अभी स्वस्थ थे, थोड़ा ही देर में शाम तक देखा अरे एकदम बहुत तेज सर फटा ही जा रहा है दर्द से, समझ लीजिए किसी की बुरी नजर भी हो सकती है। और भी कोई रीजन हो सकते हैं लेकिन बुरी नजर भी एक कारण हो सकता है। खास तौर पे जब बुरी नजर होती है ना, तब होता क्या है, आप वैसे तो स्वस्थ हैं और
बस एकाएक ये सिम्टम होने लगे और जैसे ही नजर हटेगी ना फिर से एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। तो नजर हटेगी कैसे, जो उपाय मैं बता रही हूं आप इन उपाय को भी कर सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी अब मान लीजिए किसी की बुरी नजर लगी है, रिश्तों में कड़वाहट आने लगेगी, अगर किसी ने बद्दुआ दी है आपको, कर्सस लगे हुए हैं, किसी ने बुरी नजर कर दी, किसी ने काला कुछ किया हुआ है, तो आपस में जो फैमिली रिलेशंस हैं वो खराब होने लगेंगे। कपल के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े तनाव होना शुरू हो जाएगा बहुत ज्यादा। घर में जब देखो तनाव का माहौल रहेगा, घर में अगर बैठे तो लगता है ओफो दिमाग ही खराब हो गया, निकलो यहां से, तो बचो निकलो यहां से, ऐसा माहौल हो जाएगा। ऐसा माहौल हो जाए तो समझने लगे कि कुछ ना कुछ तो घर में गड़बड़ है, बुरी नजर किसी की लगी है। तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं उपायों की, नंबर बाद में दूंगी, पहले आपको कुछ ऐसे सटीक उपाय बताऊंगी कि ऐसी भी बुरी नजर लगी हो आपकी बुरी नजर उतर जाएगी, हट जाएगी, आपसे दूर हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, कुछ उपाय दे रही हूं, उपाय भी करेंगे साथ में एंजल नंबर भी लिखेंगे, ठीक है। पहला उपाय, किसी भी व्यक्ति पे अगर बुरी नजर लगी हुई है तो आप क्या करेंगे, चाहे आप खुद हो चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो, तो आप क्या करेंगे, एक बर्तन में ले लेंगे दूध, दूध ले लिया, अगर आपके ऊपर लगी है तो आप अपने हाथ से, किसी और पे आपको शक है कि उस पर बुरी नजर लगी है तो उनके हाथ से वो टच करवा के दूध आप ले लें। अब उस दूध को जाकर घर के बाहर किसी भी पवित्र पेड़ की जड़ में आपको चढ़ा देना है, साथ में दो गुलाब की खुशबू वाली अगरबत्ती लेके जाएं, जड़ में तो दूध अर्पित कर दें, साथ में दो गुलाब की अगरबत्ती वहां पर लगा दें और भगवान से निवेदन कर लें कि जैसी भी बुरी नजर हो यही उतार दो और हमको कर दो पूरी तरह स्वस्थ। तो ये पहला उपाय है, कैसी भी नजर होगी, बद्दुआ होगी, वहीं के वहीं उतर जाएगी और आप अपने आप को बहुत लाइट फील करेंगे। अगर आप खुद अपने लिए कर रहे हैं ना तो इंस्टेंट आपको लगेगा कि बाप रे सर पे एक भारीपन था वो दूर हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है नजर उतारने का, साधारण उपाय है, सब लोग कर सकते हैं। तो जिसको भी शक हो, बल्कि समय समय पे कर लेना चाहिए, ऐसे उपाय करते रहने चाहिए, उससे क्या होता है हमारी ऑरा क्लीन रहती है, किसी की नजर गंदगी कोई हमारी ऑरा में भी होती है ना तो वो भी उतर जाती है। तो ये वाला उपाय तो ऐसा है जिसको सब लोग कर सकते हैं, कोई भी निगेटिविटी आपके साथ होगी वो दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहला उपाय सब कर लें। दूसरा उपाय आपको बताने जा रही हूं क्या करना है, किसी की नजर अगर उतारनी है तो सूखी लाल मिर्च ले लें, अजवाइन ले लें और पीली सरसों ले लें, ये तीन चीज आपको ले लेनी है। इन तीन चीजों को एक बर्तन में ले लें, खासतौर पे कोई भी ऐसा बर्तन जो या तो तड़का लगाने का बर्तन होता है या कोई ऐसा बर्तन हो उसमें ले लें, जला लें, इसमें तीनों चीजों को जलाएं, जिस पे नजर लगी है उसके सामने जला दें और उसके ऊपर से उसका धुआं जो है ना वो सात बार उतार दें, मतलब ऐसे करके उसके ऊपर से सात बार उतार देना है और उसको धुआं भी लगे अच्छे से, जिसकी नजर उतारनी है इन तीन चीजों का धुआं उसके ऊपर लग जाएगा, अपने आप नजर उतर जाएगी, ठीक है। ऐसे करके धुआं लगा दिया, अब जो चीजें जल गई उसको घर के बाहर आपको फेंक देना है। तो ये है दूसरा उपाय, घर में ही रहकर कर सकते हैं, किचन में ही सारी चीजें मिल जाएंगी नजर उतारने के लिए। तो सब लोग ये वाला उपाय भी कर सकते हैं, अपने लिए कर लें, अपने घर के लिए कर लें, ठीक है। और समय समय पे आप चाहें तो इस वाले उपाय को अपने घर में भी कर सकते हैं कि आपने ये तीनों चीज किसी बर्तन में जला ली और पूरे घर में ऐसे करके धुनी उसकी धुआं आपने फैला दिया, अपने घर में जो भी निगेटिविटी और गंदगी होगी सब बाहर निकल जाए। तो ये उपाय भी सब लोग कर सकते हैं, बड़ा ही आराम से अच्छा उपाय है, घर की क्लेंजिंग आपकी हो जाएगी पूरी तरह। तो इस तरह भी नजर भी उतर जाएगी और घर की क्लेंजिंग भी होगी। तीसरा जो उपाय आपको दे रही हूं वो है लहसुन का और लाल मिर्च का। इसमें आपको क्या करना है, लहसुन की कुछ कलियां ले लें, दो तीन लहसुन ले लें, दो तीन सूखी लाल मिर्च ले लें। सूखी लाल मिर्च और लहसुन को लेके जिस पे नजर लगी है उस व्यक्ति के ऊपर से आपने सात बार घुमा दी। सात बार घुमाने के बाद आप क्या करेंगे, किसी भी बर्तन में लेकर आप घुमाना ताकि फिर दोबारा से आपको बर्तन ना लेना पड़े, उसी में रख के ऐसे करके आपने सात बार घुमा दी। अब आपने जलाया उसको, जलाने के बाद अगर उसमें गंध होती है, ठीक है, अगर गंध होती है तो समझे कि नजर नहीं है, और अगर बिल्कुल भी गंध नहीं आ रही है तो समझ जाना कि बुरी नजर थी जो अब उतर गई। तो वो उसको रख के जला देना है, फिर घर के बाहर आपको फेंक देना है लाल मिर्च और लहसुन का, जो भी ऐश बचेगी ना उसको घर के बाहर फेंक देना। तो इस तरह भी किसी भी व्यक्ति की नजर
आप उतार सकते हैं। बड़े सारे उपाय होते हैं, कोई ना कोई एकाध उपाय हमेशा अपने घर में करते रहिए, घर की क्लेंजिंग करते रहिए, अपनी क्लेंजिंग करते रहिए। मैंने ऑरा क्लीनिंग ऑयल बनाया हुआ है, ऑयल से आप अगर रोज नहाते हैं तो अपने आप ही आपकी आधी निगेटिविटी दूर हो जाती है, तो ऑरा क्लीनर ऑयल आप लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाले जो उपाय बताए हैं समय समय पे इनको अपने साथ करिए, अपने घर पे भी करते रहिए, इनमें कुछ पैसा भी खर्च नहीं होता और हमारी क्लेंजिंग भी हो जाती है, हमारी भी और घर की भी। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं नजर, बुरी नजर ये सब लगता ही रहता है, यही कारण है लाइफ में प्रॉब्लम्स के, तो इस तरह से आप उतार सकते हैं। अब एंजल नंबर की बात, अगर आपको लगता है किसी की भी बुरी नजर लगी है तो आप एंजल नंबर किसी भी कलर के पेन से 6990 अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखिए। कैसी भी नजर होगी ना, पहले तो आप उससे सुरक्षित रहेंगे, बचे हुए रहेंगे, प्रोटेक्शन में रहेंगे, और लगी होगी तो वो क्लीन हो जाएगी। तो इस वाले एंजल नंबर से आप नजर दोष से भी बचे हुए रह सकते हैं। तो दोस्तों ये है बुरी नजर से बचने के कुछ छोटे छोटे उपाय, एक बहुत ही शक्तिशाली एंजल नंबर जिससे आप प्रोटेक्शन में रहेंगे, किसी की भी ईविल आई आपको टच नहीं कर पाएगी, और लगी होगी तो वो भी क्लीन हो जाएगी। तो मैं शालिनी, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, सबको प्यार भरा नमस्ते।